What's up everybody, this is Arshikan and you're watching MBA with Arshikan. In this video, I'm going to talk about application forms. यार हमें पता है कि almost admission जो हैं वो closing पे हैं and but अभी भी कई सारे ऐसे बच्चे हैं who are looking for colleges, who wanted to apply for colleges, who are willing to know that कौन कौन से colleges के application हैं and मेरे लिए as a student थोड़ा सा difficult हो जाता है ये पता करना कि कौन कौन से colleges के application open हैं और मैं उनके लिए eligible हूँ या नहीं हूँ या फिर मेरे लिए वो options सही हैं या नहीं हैं. तो I thought of making this video which might can be helpful for you. It's very simple that आप को मैं हर वीडियो में बोलती हूँ प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म. सो यार MBA में मैटर करता है प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म. लेट्स से अगर आपका बजट, आपकी लोकेशन, आपकी स्पेशलाइजेशन, आपका स्कोर, ये सारी चीज़ों के बेसिस पे ही कॉलेज का सिलेक्शन होता है. तो आपको सिंपल सी एक चीज़ करनी है, टीयर वन में अगर हम CET की काउंसलिंग छोड़ दें तो बाकी सारे टीयर वन के कॉलेजेस के एप्लीकेशन ओपन नहीं है किसी भी कॉलेज के. कुछ कॉलेजेस के हो सकता है ओपन हो बिकॉज लास्ट ईयर कोविड के टाइम पे क्या हुआ था, कई सारे बच्चों ने रिफंड लिया था तो अच्छे अच्छे कॉलेजेस से भी जो है वो ऑफर्स आ गए थे, बट वो ऑफर्स उन स्टूडेंट्स को मिले थे जिन्होंने उन कॉलेजेस के एप्लीकेशन पहले ही भर दिए थे. बाकी सारे स्टूडेंट्स को वो अपॉर्चुनिटीज नहीं मिली थी. बट यू नो दैट इज अ थिंग जिसपे हम ये नहीं बोल सकते कि ओपन होंगे ही, इट्स लाइक फिंगर्स क्रॉस, राइट. तो मेजॉरिटी ऑफ जो कॉलेजेस है जिनके एप्लीकेशन ओपन है, मैं उनको बहुत सही तरीके से समझाऊंगी, जिनके एवरेज पैकेज 5 लाख से स्टार्ट होते हैं और 7-8 लाख तक जाते हैं. तो कहीं ना कहीं इन्हीं कॉलेजेस के एप्लीकेशंस आपके पास अवेलेबिलिटी है, पर कौन से एप्लीकेशंस हैं वो आपकी प्रोफाइल के हिसाब से मिल सकते हैं नहीं मिल सकते हैं, तो उसके लिए आपको नीचे जो प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म दिया है उसको फिल करना है, प्रॉपरली फिल करना है. बिकॉज आप डिटेल्स प्रॉपरली नहीं डालते हो, आप मेंशन नहीं करते हो कि मुझे इस साल एडमिशन चाहिए, तो होता क्या है आपको कॉल नहीं आ पाता है. एंड देन मैं कई बार व्हाट्सएप देखती हूँ तो मुझे एक क्वेश्चन मिलता है कि आपके यहाँ से कॉल नहीं आया, मैंने क्वेरी रेज किया. सो प्लीज़ मेक श्योर कि अपनी पूरी क्वेरीज को इलाबोरेट करो और इलैबोरेट करने के बाद माय टीम विल कॉल गिव यू कॉल विल इलैबोरेट क्योंकि कौन कौन से कॉलेजेस के एप्लीकेशन हैं जिनमें आप अभी भी अप्लाई कर सकते हो जो आपके लिए अच्छे हो सकते हैं, जैसे कि भले वो IMTs हो या फिर हम पुणे के कॉलेजेस की बात करें, बैंगलोर में ऑप्शंस की बात करें या फिर हम बात करें दिल्ली के ऑप्शंस के बारे में, सो मुंबई के ऑप्शंस के बारे में, तो हम उसी सभी के बारे में डिस्कस करेंगे. सो उसके लिए प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म फिल करना है. ऑल I'll do is try to help you out the best way I can. So this was a small video, small informative video. If you feel it is helpful, do share it with your friends. And more such video like this, keep watching our channel. Till then, bye-bye. I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.